ओके ऑल राइट गाइस, इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं डियर डेविड की। वेल, डियर डेविड का ट्रेलर आया है गाइस नेटफ्लिक्स की तरफ से, एंड ऑफ कोर्स मैंने इस ट्रेलर को देखा है। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर इसमें से डिलीटेड सीन्स को निकाल दिया जाए तो ये राउंड अबाउट 1 मिनट एंड 40 सेकंड का ट्रेलर ठीक ठाक था, बट नेटफ्लिक्स ने इसमें डिलीटेड सीन्स को अलग नहीं किया, इसलिए इसके ट्रेलर की जो लेंथ है वो तकरीबन 2 मिनट एंड 20 सेकंड्स है। वेल, ये तो नेटफ्लिक्स को पता कि उन्होंने क्यों नहीं डिलीटेड सीन्स को निकाला। प्रोबेबली दे वांटेड अ लॉन्ग ट्रेलर। जो भी है गाइस, ट्रेलर के स्टार्ट में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो एक लड़के से जब मिलती है तो लड़का उससे कहता है, इफ़ यू हैड फीलिंग्स फॉर मी देन वाई यू आर नॉट गोइंग टू डिस्क्राइब मी। इसका मतलब समझाता हूँ मैं गाइस आपको, वही जो टिपिकल लवर्स के बीच में होता है कि लड़का लड़की को पसंद करता है या लड़की लड़के को पसंद करती है, दोनों एक दूसरे से इजहार नहीं करते। लेकिन यहाँ पर ट्रेलर में हमें देखने को मिलता है स्टार्ट में एक लड़का जो एक लड़की को किस करता है, उसके बाद वो उसको कहता है, अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। देन लड़की किस देने के बाद, यानी किस भी दे ली और सब कुछ एक्सप्रेस भी कर दिया, उसके बाद वो उसको कहती है, मैंने कब तुम्हें पसंद किया। That's an amazing question. Fraud है यार, बट जो भी है guys, एक नज़र डालते हैं इसके कास्ट पर। तो कास्ट में दोस्तों इसकी हैं शेनिना, आसिना मून, अमीर, माहिरा, कैटलिन नॉर्थ लीवस और एम जेम्स नहीं, ये मिशाल जेम्स है, मैंने शॉर्ट किया है एम जेम्स क्योंकि आपको शॉर्ट ट्रेंड पसंद है। तो इस मूवी का नाम है दोस्तों डियर डेविड, और वहीं पे अगर मैं अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर करूं तो ओवरऑल मुझे ट्रेलर इंटरेस्टिंग लगा, बट मेरा ये प्रीव्यू है कि इसमें से डिलीटेड सीन्स को निकाल देना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, 20 सेकंड्स के इस ट्रेलर में डिलीटेड सीन्स मौजूद हैं जो कि नेटफ्लिक्स को सोचना चाहिए। अगर ये शॉर्ट ट्रेलर होता तो और ज़्यादा मज़ा आता, डिलीटेड सीन्स आप अलग से निकाल कर एक अलग वीडियो बना देते तो आपका भी फ़ायदा हो जाता, बट ओवरऑल यहीं तक है। टिल नाउ, टाटा बाय बाय, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में।